हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बेटा दो फ्रिंजेस के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, जिसे कहते हैं फ्रिंज विड्थ। फॉर एग्जांपल, हमने देखा था कि जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था हमारा, वाईटीएससी में क्या था, उसका जो रिजल्ट आया था हमको ऐसे मिलता था, एक सेंट्रल ब्राइट, देन डार्क, देन ब्राइट, दिस इज सेंट्रल ब्राइट, देन डार्क, फर्स्ट ब्राइट, देन सेकंड डार्क। आज हम दो सक्सेसिव डार्क और दो सक्सेसिव ब्राइट के बीच में डिस्टेंस कितना होता है हम वो पता करने वाले हैं, और हम ये प्रूव करेंगे कि ये जितना डिस्टेंस इसमें होता है उतना ही डिस्टेंस एक दो सक्सेसिव ब्राइट में भी होता है, जितना डार्क में होता है उतना ब्राइट में। आप ही रिजल्ट भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सोर्स है, टॉपिक है हमारा एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE। चलिए, हमें पता है YDSC में आपका इंटरफेरेंस होता है, और इंटरफेरेंस के लिए, सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन अप्लाई है कि हमारे जो दो सोर्स हैं उनका जो फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ है क्या होना चाहिए, सेम और जीरो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। लेट हमारे पास एक स्लिट है, दो स्लिट्स हैं जिनके बीच की दूरी जो है वो है लेट डी, यहां से हमारा सोर्स आएगा, ये हमारा सोर्स है जो आपके वेव्स भेजेगा, ठीक है, क्योंकि आपका YDSC आपका इंटरफेरेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में बात करता है, ठीक है। अब ये पास होगा इसमें से, फिर ये इसमें से पास होगा, यहां से दो वेव्स निकलेंगी, इनको इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। अगर ट्रफ ट्रफ से मिलेगा, क्रीज क्रीज से मिलेगा तो कंस्ट्रक्टिव होगा, ट्रफ क्रीज से मिलेगा या क्रीज ट्रफ से मिलेगा तो डिस्ट्रक्टिव होगा। तो हमको सक्सेसिव कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कंसेप्ट डिस्ट्रक्टिव मिलते थे। तो लेट ये हमारी स्क्रीन है जो डी दूरी पे है, एक स्क्रीन हमारी जो डी दूरी पे है, ऐसा ये स्क्रीन है हमारी, ये कैपिटल डी दूरी पे है, और ये हमारा सोर्स था यहां पर, ठीक है, समझ गए, हमको बनाने की जरूरत नहीं है, चलनी पड़ेगी एक्सप्रेशन में हमको। स्मॉल डी दो स्लिट्स के बीच का डिफरेंस है। लेट मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करता हूं, पॉइंट पी, पॉइंट पी जो सेंटर से एक्स दूरी पे है, सेंटर से, सेंटर ओ से एक्स दूरी पे है, क्लियर। लेट यहां से एक वेव निकली और यहां से एक वेव निकली, ऐसे, ऐसे पी पॉइंट पे मिली। अब पी पॉइंट पे दो कंडीशन हो सकती हैं, या इन दोनों बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है या डिस्ट्रक्टिव, उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। चलिए भी न्यूमोनिक्स डाल देते हैं, नाम डाल देते हैं। लेट ये ए है और ये आपका बी है, ये अगर ए बी अगर डी है, देखिए ए बी डी के बराबर है, तो ए होगा आपका डी बाई टू, ए होगा आपका, ये होगा आपका
डी बाई टू। सिमिलरली ये भी होगा आपका डी बाई टू, ओ बी भी डी बाई टू होगा। क्लियर? यहां से एक वेव निकली है और एक यहां से वेव निकली है ऐसे। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूंगा तो हल्का सा पार्ट डिफरेंस दिख रहा है मुझे। हमें यही पार्ट डिफरेंस फाइंड करना है क्योंकि हमें पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच रिलेशन पता है। पार्ट डिफरेंस इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस। एक्सप्रेशन याद रखिएगा, हेल्पफुल होने वाला है हमारे लिए, नोट कर लीजिए इसको। चलिए हमें पता करना है बेटा, लेट दिस इज, मैं नाम देता हूं एस वन सोर्स वन, लेट दिस इज पॉइंट इज एस टू। चलिए हमें पता करना है जो पार्ट डिफरेंस है, पार्ट डिफरेंस पी ए लेता हूं, इज इक्वल्स टू अगर आप एस टू पी में से, एस टू पी में से माइनस कर देते हैं एस वन पी, तो यही पार्ट डिफरेंस होगा हमारा। चलिए एस वन पी क्यों होगा बेटा, अगर मैं ट्राइंगल देखूं पी पी एस वन ए, पी ए एस वन, तो पी ए एस वन में आपका राइट ट्राइंगल है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो बेटा आपका जो एस टू पी स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई टू के। ठीक है, जो आपका एस टू पी होगा, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, पी सॉरी पी बी एस टू की बात कर रहा हूं मैं, तो ये तो आपका एस टू पी है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई टू, ये डी बाई टू है छोटा सा कर्ल स्क्वायर। सिमिलरली एस वन पी जो होगा स्क्वायर जो होगा वो होगा डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी बाई टू। अगर आप एक्स में से इतना हटा देते हैं तो ये आ जाएगा पी ए। क्लियर? सो दोनों को मैं सेपरेट कर लेता हूं बोथ साइड, सेपरेटिंग 1/2 एस टू पी स्क्वायर माइनस एस वन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जैसे सेपरेट करूंगा बेटा देखिएगा ध्यान से, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको ओपन कर लेता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया। ब्रैकेट जब ओपन करूंगा मैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं, तो इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो एक्स डी एक्स डी 2xd, तो आपका एस टू पी स्क्वायर माइनस एस वन पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2xd के। इसको भी थोड़ा एक्सपेंड कर लेता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 2xd। बेटा साइड में एक पॉइंट ले देता हूं, इन वाई डी एस सी स्मॉल डी इज वेरी 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 लेस देन कैपिटल डी,
जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं बेटा, जो ये डी होता है ना, ये बहुत कम होता है, ये अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 mm के बीच में होता है, ठीक है। और ये जो होता है ये करीबन 2 से 3 मीटर के बीच में होता है। जो आपका कैपिटल डी होता है वो 2 से 3 मीटर के बीच में होता है। देखिए ये मिलीमीटर में है, ये मीटर में है। तो आपका जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट क्या बन जाएगा देखिए, इस वजह से S2P, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं आराम से, नोट कर लीजिए इसको। आपका ये वाला जो पार्ट है वो बन जाएगा, देखिए S2P S1P, अभी मैंने यहां लिखा था S2P S1P बराबर था आपके P के पार्ट पार्ट डिफरेंस विच इज, और ये बन गया आपका S2P। तो मतलब ये बहुत, इसके डिफरेंस बहुत छोटा है। तो आपका जो डिफरेंस आएगा, आपका जो S1P होगा, ठीक है, मतलब ये बहुत कम दूरी पे है, तो ये पार्ट डिफरेंस बहुत कम आता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं S1P और S2P बराबर बराबर है, इस वजह से किसके बराबर है, D के बराबर है। मतलब ये बहुत दूर होगा तो ये लाइन ऐसे जाएगी, ये लाइन ऐसे जाएगी। तो आपका S1P और S2P ये बहुत दूरी पे है, ठीक है, और ये बहुत पास है। तो नॉर्मली हमको इस तरह से कोई एक्सपेरिमेंट दिखेगा कि ये बराबर बराबर है। तो ये दोनों बराबर हो गए, D प्लस D बराबर है, चल रहा है आपका 2xd। तो P आ जाएगा आपका पार्ट डिफरेंस जो आएगा बराबर आएगा दिस PD, पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू 2xd अपॉन में 2d, व्हिच इज, तो पार्ट डिफरेंस हमने निकाल लिया बेटा xd अपॉन में कैपिटल। अब उसके साथ कुछ कंडीशन अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। हम निकालेंगे, अगर ये पी पॉइंट, अगर पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज है, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज है, अगर आपको ब्राइट फ्रिंज है मिल रही है, तो उसका मतलब वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। इसका मतलब यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, क्लियर। तो ये एच डी अपॉन में डी पार्ट डिफरेंस बराबर होगा, हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन निकाली थी वो एन लैम्डा के बराबर थी, क्लियर। तो यहां से हमें मिल जाएगा एक्स की वैल्यू, जो मतलब सेंटर से कितनी दूरी पे है, फ्रिंज विड्थ आपकी सेंटर से जो ब्राइट फ्रिंज है कितनी दूरी पे है, वो निकल जाएगी एक्स इज इक्वल्स टू एन कैपिटल डी लेमडा अपॉन में स्मॉल डी, क्लियर। तो इस कंडीशन की वजह से हमको जो पार्ट डिफरेंस, हमको जो पार्ट डिफरेंस मिलेंगे कहां कहां मिलेंगे, एन जीरो पे। अगर मैं एन जीरो रखता हूं, अगर मैं एन जीरो रखता हूं, तो पहले तो हमको सेंटर मिलेगी, जीरो मतलब बेटा सेंटर, सेंटर ब्राइट होगा। सेंटर ब्राइट क्यों होगा, क्योंकि यहां से लाइट आने वाली, यहां से लाइट आने वाली के बीच में पार्ट डिफरेंस होगा ही नहीं, पार्ट डिफरेंस नहीं होगा तो इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। पार्ट डिफरेंस ही आपका और फेज डिफरेंस ही आपका कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस क्रिएट करता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर पार्ट डिफरेंस नहीं है इसका मतलब यहां से आने वाली सारी लाइट और सारी लाइट यहां से आने वाली सेम फेज पे है, तो आपको जीरो पे मिलेगा। अब आपने रख दिया एन वन रखूंगा, देखिए एनी कंडीशन चलेगी, एन चलेगा हमारा 0 1 2 एंड सो ऑन। तो अगर मैं वन रखूंगा तो आएगा आपका लेमडा डी अपॉन में डी, दिस वाज फर्स्ट
ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट, देन टू डी लैम्डा अपॉन मिस स्मॉल डी, सेकंड ब्राइट एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा. ठीक है, अगर मैं पोजीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव की बात करूं, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस की बात करूं, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस कब मिलेंगी बेटा, जब आपका क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. तो क्या होगा, इसको मैं हटा देता हूं अभी, जरूरत नहीं है इसकी. तो क्या होगा बेटा, वहां पर आपका जो पार्ट डिफरेंस होगा, मान लीजिए पी पॉइंट जो था वहां पर डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, तो उसका मतलब वहां का पार्ट डिफरेंस जो होगा 2n-1 लैम्डा बाई 2 के बराबर हो रहा होगा. कंडीशन निकाली थी हमने कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की, याद होगी आपको. ठीक है, अगर पी पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव हो रहा है तो पार्ट डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के पार्ट डिफरेंस के बराबर होगा. अगर पी पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव हो रहा है तो पार्ट डिफरेंस इक्वेशन का हमारे डिस्ट्रक्टिव के जो हमने कंडीशन निकाली थी उसके पार्ट डिफरेंस के बराबर होगा. तो यहां से निकलेगा बेटा आपका एक्स इज इक्वल्स टू 2n-1 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में 2 स्मॉल डी. पुट कर लीजिए वैल्यूज, इसको यूज करेंगे भी हम, वैल्यूज पुट करिए. तो आपका सेंट्रल तो ब्राइट हो गया n1 पे. अगर आप n1 2 एंड सो ऑन रखते हैं तो आपकी वैल्यू आएगी बेटा x की लैम्डा डी अपॉन में 2d फर्स्ट ब्राइट, कंडीशन फॉर 3/2 लैम्डा डी अपॉन में स्मॉल डी, देन 3 रखूंगा तो 3 6 6-1 5/2 लैम्डा डी डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी. ये हमारी पोजीशंस फॉर डार्क फ्रिंजेस है. ठीक है, चलिए अगर मैं फ्रिंज विड्थ की बात करूं, जिसे पर्टिकुलर नाम दिया जाता है बीटा, फ्रिंजेस विड्थ की बात करूं, तो मैं दो, जो स्टार्टिंग में आपको मैंने डायग्राम बनाया था, दो सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट, देन फर्स्ट डार्क, देन फर्स्ट ब्राइट, देन सेकेंड डार्क, देन सेकेंड ब्राइट, ऐसे आपका लेफ्ट साइड भी आएगा सेम. चलिए, तो अगर मैं दो ब्राइट के बीच की वैल्यू निकालना चाहूं डिफरेंस, तो क्या होगा बेटा, तो मैं क्या करूंगा, देखिए जो एक्स था वो था सेंटर से दूरी, हमने सेंटर से दूरी निकाली थी इसकी, और सेंटर से दूरी निकाली थी फर्स्ट ब्राइट की सेकंड ब्राइट की, जो हमने कंडीशन लिखी थी यहां पर, जो हमारी कंडीशन निकली थी है ना, जीरो सेंट्रल था, तो फर्स्ट निकली थी लैम्डा डी अपॉन में डी ब्राइट के लिए, सेकंड निकली थी 2λd/d एंड सो ऑन, ऐसा निकला था ना. तो ये जो था, ये जो था फर्स्ट ब्राइट, वो था एक ये दूरी, और सिमिलरली जो सेकंड ब्राइट था वो था ये दूरी. अगर इतने में से मैं इतना हटा दूं, इतने में से मैं इतना हटा दूं, तो क्या आ जाएगा, दो फ्रिंजेस के बीच की दूरी, जिसे कहते हैं हम फ्रिंज विड्थ, दो सक्सेसिव फ्रिंज की दूरी. तो हमें क्या करना है, बीटा फाइंड करना है. बीटा क्या होगा आपका, xn-1 उससे पहला. ठीक है, चलिए मैं nth कंडीशन लेके चलता हूं, nth कंडीशन लेके चलता हूं. nth कंडीशन में क्या होगा, xn क्या होगा, nth ब्राइट क्या होगा, nth ब्राइट होगा आपका n कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी माइनस n-1 क्या होगा, ये होगा आपका n-1 d लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी. ठीक है, ये आ जाएगा बेटा आपका n d अपॉन में स्मॉल डी, सो एक्सपेंड कर लेता हूं,
इसको एक्सपेंड करूंगा तो आ जाएगा एन, इसको से मल्टीप्लाई करते हैं एन डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी और माइनस माइनस इसको से मल्टीप्लाई किया इसको माइनस किया तो ये आ गया स्मॉल डी। ब्रैकेट ओपन करूंगा तो बेटा ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो इससे कैंसिल आउट हो गया। तो फ्रिंज विड्थ कितनी आएगी बेटा, दो सक्सेसिव ब्राइट के बीच में, याद करने का बहुत सिंपल ट्रिक है, बी डी ला दे, फनी है, ला मतलब लैम्डा, ठीक है। तो ये आ गया दो सक्सेसिव ब्राइट के बीच दूरी। अब आप क्या करेंगे, दो सक्सेसिव डार्क के बीच की दूरी निकालेंगे और आप देखेंगे कि आपका दो सक्सेसिव डार्क के बीच में भी सेम फ्रिंज आ रहा है, मतलब आप डी टू में से डी वन माइनस करना, डी टू में से जो डी टू वहां निकला था कंडीशन के अकॉर्डिंग, डी टू मतलब थ्री बाय टू लेमडा डी अपॉन में स्मॉल डी माइनस हाफ लेमडा डी अपॉन में टू। देखिए करिए आप, करके देखिए इसे, सॉरी डी करके देखेंगे आप, लेमडा डी अपॉन में बाहर आ गया थ्री बाय टू माइनस वन बाय टू, क्या होगा है? तो अब क्या करेंगे, एक ब्राइट कलर का डार्क लेकर निकालेंगे, डार्क में nth कंडीशन लगा दीजिएगा, nth कंडीशन के लिए निकालिएगा, एग्जाम में nth कंडीशन बेटर रहता है, nth कंडीशन निकालेंगे तो अब xn मतलब 2n minus 1 कैपिटल D लैम्डा 2d माइनस करिएगा n minus 1 से 2n minus 1 minus 1 लैम्डा d अपॉन में 2d करेंगे तो आपको आंसर सेम मिलेगा, ये आएगा कंडीशन। डार्क और ब्राइट की जो फ्रिंज विड्थ होती है बेटा बराबर होती है, चलिए ये बात ध्यान रखिएगा, बराबर होती है। हमें जो यंग डब स्लिट, अब कुछ केसेस हैं, देखिएगा ध्यान से, दो केसेस बताता हूं इंपॉर्टेंट है वन मार्क्स के लिए। पहला केस, अगर मैं सारे जो यंग डबल स्लिट का जो सेटअप है स्क्रीन जो सारा, इसे किसी पानी या किसी ऐसे मीडियम में डाल दूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो आपका जो b होगा जो नया b डैश होगा, इस बार आपका फ्रिंज विड्थ फिर चेंज हो जाएगा, वो होगा आपका ओल्ड फ्रिंज विड्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, को इंपॉर्टेंट है बेटा याद रखिएगा वन मार्क्स के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो भी होगा आप उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा, हमने यहां पर जो एक्सपेरिमेंट में जो सोर्स यूज किया था वो था बेटा मोनोक्रोमेटिक सोर्स, कोई येलो सोडियम लैंप यूज कर लिया, ठीक है, कोई एक सिंगल बल्ब ने यूज किया, जो यूज किया था उसकी वजह से हम दो बनाए थे। अगर इस मोनोक्रोमेटिक की जगह में व्हाइट लाइट यूज कर लूं, अगर मैं मोनोक्रोमेटिक की जगह व्हाइट लाइट यूज कर लूं तो बेटा मेरा जो सेंट्रल होगा, जो मेरा सेंट्रल ब्राइट होगा और बाकी जो फ्रिंजेस होंगी वो कैसी होंगी, ठीक है, जो मेरा सेंट्रल ब्राइट होगा, देखिए बेटा यहां से व्हाइट लाइट आई, सेंटर में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, कोई फेज डिफरेंस नहीं हुआ, तो यहां से व्हाइट आ रही है, दोनों व्हाइट व्हाइट मिल जाएंगी तो व्हाइट बनाएंगी, तो सेंट्रल व्हाइट हमारा क्या होगा, व्हाइट ही होगा, ठीक है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यहां व्हाइट आ रही है लाइट और यहां से कोई व्हाइट आ रही है, पर फेज डिफरेंस आ गया,
फेज डिफरेंस आने की वजह से कुछ कलर का कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा और कुछ कलर का डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, क्योंकि व्हाइट लाइट के अंदर बेटा विब्योर होते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी कलर का कंस्ट्रक्टिव हो गया, किसी कलर का डिस्ट्रक्टिव हो गया, तो बेटा हमको जो बाकी फ्रिंजेस मिलेंगी वो मिलेंगी कलरफुल। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, बाकी जो फ्रिंजेस मिलेंगी मिलेंगी कलरफुल। इसका पैटर्न जो मिलता है हमें ऐसा मिलता है, सेंट्रल पे तो व्हाइट होता है, उसके बाद हमको मिलने लगता है विब्योर, फिर आपको मिलता है विब्योर, मतलब आपको जो पहला जो फ्रिंजेस मिलेगा वो कलरफुल होगा, ऐसा मिलेगा विब्योर, फिर उसके बाद फिर विब्योर, फिर विब्योर, फिर विब्योर, ऐसा विब्योर विब्योर मिलता रहता है। ठीक है, क्लियर हुआ, ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछा जाता है, पूछा भी गया है 1 मार्क्स में। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है देखिएगा, क्योंकि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, मान लीजिए यहां पर रेड का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है, तो बाकी का डिस्ट्रक्टिव होगा। ठीक है, अगर रेड लाइट के फेज और इसका फेज रेड लाइट का सेम है तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव हो गया, बाकी का फेज सेम नहीं होगा तो वहां डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा तो वो हमको नहीं दिखेंगे। ठीक है, ऐसे नीचे अगर ऊपर आर दिख रहा है विब्यू, बेटा याद रखिएगा विब्यू एस दिखना स्टार्ट होता है, विब्यू एस दिखता है हमको। अगर बात करूं सेंटर, अगर हमारा व्हाइट दिख रहा है तो विब्यूअर्स दिखता है। ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखिएगा कि आपको पता है जो फ्रिंज विड्थ होता है बी डी ला दे होता है लेमडा, आपको पता है लेमडा ऑफ रेड लाइट, ये कंडीशन देखिए आपने ये नोट कर लिया, अब ये कंडीशन देखिए एक और चीज में छोटा सा पॉइंट है, आपको पता है लेमडा ऑफ रेड लाइट इज ग्रेटर देन लेमडा ऑफ ब्लू लाइट, अगर ये ज्यादा है तो ये क्या होगा, कम होगा। ठीक है, सॉरी ये मैं कंडीशन थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी बना दी, ला दे, अगर रेड का ये ज्यादा है तो ये भी ज्यादा होगा, अगर आपका लैम्डा का वेवलेंथ ज्यादा है तो लैम्डा का फ्रिंज विड्थ भी ज्यादा होगा, इसलिए हमें जो रेड लाइट की फ्रिंज होती है, रेड लाइट, रेड फ्रिंजेस, ऐसे लिख देता हूं, रेड फ्रिंजेस, पहला पॉइंट था हमारा, रेड फ्रिंजेस विल बी वाइडर कंपेयर्ड, किससे ज्यादा कंपेयर करें तो कंपेयर टू द वायलेट फ्रिंजेस, मतलब आपको जहां रेड मिल रहा होगा फ्रिंजेस, थोड़ी फ्रिंज मिल लूंगी, ठीक है, वो थोड़ा वाइड होंगी रेड की। ठीक है, तो तीन कंडीशन, तीन केसेस याद रखिएगा, अगर सारे सेटअप को हम किसी एडी में डालते हैं जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन हो, तो नया जो फ्रिंज विड्थ होगा वो क्या होगा बेटा, पुराने वाले फ्रिंज विड्थ के डिवाइड बाय एन। ठीक है, क्लियर, सेकेंड हमने पढ़ा, अगर आप मोनोक्रोमेटिक लाइट को रिप्लेस कर देते हैं किसी कलरफुल व्हाइट लाइट से तो आपको सेंट्रल तो मिलेगा व्हाइट पर बाकी फ्रिंजेस मिलेंगे कलरफुल, जिसमें पर्टिकुलरली रेड लाइट का फ्रिंजेस जो होगा वो ज्यादा वाइड होगा ब्लू लाइट से, और कलरफुल क्यों मिल रहे हैं, कलरफुल इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि इसकी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कलर में दिख रहा है उसका तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, बाकी कलर्स का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट चीज समझ गई हमारी, ग्राफ, थर्ड पॉइंट है बेटा इसका ग्राफ। ठीक है, इसे बोलते हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसमें कर्व फॉर इंटरफेरेंस या वाईडीसी में हो सकते हैं, तो हमने ये नोटिस किया कि सारी जो कलर थी
वो सेम फ्रिंज विड्थ की थी, ठीक है, सबकी इंटेंसिटी सेम थी, तो उसका ग्राफ जो बनता है बेटा इस तरह से बनता है, देखिए ठीक है, सेंट्रल बेटा ग्राफ जो बना है इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू फेज डिफरेंस फाई, मतलब जीरो पे जीरो, देन पाए, देन टू पाए, देन थ्री पाए, देन फोर पाए, देखिए जितने भी इवन फंक्शन है वहां हमको मिलेगा सेंट्रल ब्राइट जिसकी इंटेंसिटी होगी बहुत ज्यादा, ठीक है, और जहां जहां डार्क होगा वहां इंटेंसिटी कम होगी, ये डार्क है, ये सेंट्रल ब्राइट है, देन दिस इज डार्क वन ब्राइट वन, डार्क वन डार्क सेकेंड ब्राइट सेकेंड एंड सो ऑन, सिमिलरली यहां पर भी माइनस पाए माइनस टू पाए, थोड़ा टेढ़ा हो गया बेटा ये ऐसे माइनस टू पाए, ठीक है, तो ये हमको डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मिलता है, ठीक है, चलिए अब हमारा ये चैप्टर हो गया बेटा पूरा कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में हम जानकारी लेंगे बेटा डिफ्रेक्शन की, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, उसमें भी हम ये सब चीज देखेंगे, कितनी इसकी फ्रिंजेस डार्क होती हैं ब्राइट होती हैं और उसका कर्व वर्व सब देखेंगे। चलिए थैंक यू।